आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा बुलाई गई है जी, इसके बारे में बताएं। आज हम लोग आप सबसे आगे आप सभी का मीडिया कर्मियों का अभिनंदन आभार प्रणाम जो आए हैं और छठ पूजा के अग्रिम अभिनंदन शुभकामनाएं आप सभी मीडिया कर्मियों को। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य ये था कारण था कि मैंने जो हम लोग जो यहाँ पे आज घाट उट बना रहे हैं इसका थोड़ा पब्लिसिटी मैंने ये सभी के घर घर तक जन जन तक पहुँचे ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूजा करने वाले आए, व्रतियों का किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके ध्यान में रखते हुए आप सभी को बुलाया गया है था यहाँ पे। कितने घाट बनाए गए हैं इस बार? 800 घाट बनाए हैं छठ पूजा कमेटी के द्वारा, बीरपड़ा छठ पूजा कमेटी के द्वारा 800 घाट बनाए, जिसमें अभी तक 700 कूपन हम लोग का लेकर के गए हैं पूजा करने वाले व्रती। आकर्षण का केंद्र है जो कि मैंने बिहार से ऑर्केस्ट्रा टीम आ रहे हैं, वो सिंगर सब आ रहे हैं, भजन कार्यक्रम होंगे, रांची बिहार से सिंगर सब आ रहे हैं और आपका ये गंगा आरती है आज इस बार का मुख्य आकर्षण, और उसके बाद में आपका मेला है, आदिवासी नागा डांस है, फोक है, बिहू फोक है, विभिन्न प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम भी किया जा रहा है इस बार शोभा यात्रा में निकालेंगे। इस साल का क्या बजट है आप लोगों का? इस साल का बजट है 25 लाख रुपए का बजट है। और प्रोग्राम में क्या क्या अतिथि आप लोग बुला रहे हैं? प्रोग्राम में सभी को, सभी समुदाय के लोगों को बुला रहे हैं, सभी पार्टी के लोगों को बुला रहे हैं, यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित किए हैं। सर ये छठ पूजा घाट में कहाँ कहाँ से छठ व्रती श्रद्धालु आते हैं? यहाँ सराउंडिंग जितने भी बगान हैं आपके, चाय बगान, नंगडाला, रामझोड़ा, गरगंडा, मुजनाई, सिंगानिया, जयपीरपाड़ा, नंगडाला और इधर से शीशोबाड़ी की तरफ से भी बहुत सारे आते हैं। मुझे यहाँ मेला में उपस्थित कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग आते हैं भक्तजन घूमने के लिए, पूजा देखने के लिए। किस प्रकार का सहयोग आप लोग को मिल रहा है प्रशासन से? प्रशासन से थोड़ा बहुत वीडियो ऑफिस से मिलता है हम लोगों का प्रशासन से सहयोग, और हम लोग आपस में ही मिल कर के सारे मेंबर्स सब ही मिल कर के पूजा को करते हैं। कोई आर्थिक सहयोग में? आर्थिक सहयोग में थोड़ा बहुत वीडियो ऑफिस से ग्राम पंचायत की तरफ से मिलता है। सुरक्षा की क्या व्यवस्था? सुरक्षा की इस बार पूरा व्यवस्था की गई है, पुलिस एसपी साहब ने बोले हैं एक्स्ट्रा फोर्स दे करके स्पेशल फोर्स देंगे उसके लिए मैंने, और फॉरेस्ट को भी बोले हैं जबकि ये एरिया हम लोगों का बाघ और हाथी का एरिया है तो इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हम लोग बोले हैं जो कि यहाँ पर आ करके अपना ड्यूटी देने के लिए आमंत्रित। वर्ष दर वर्ष जो घाट की कटाव हो रही है इसके बारे में आप लोग ने जो प्रशासन ने उससे बात की गई है क्या? जी, प्रत्येक वर्ष हम लोग ये जो माठ जो छठ पूजा घाट की कटाव हो रही है इसके लिए हम लोग सभी जगह चिट्ठी डीएम सर को, बीडीओ सर को, जितने भी मैंने नेतागण हैं पंचायत ऑफिस को सबको दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इस बार आश्वासन दिए हैं कि इस बार हम लोग करेंगे इसके लिए करेंगे। छठ पूजा के दूसरे दिन जो सुबह का दिन होता है उस दिन संध्या में आप लोग का कोई परिक्रमा निकलता है जी, उसके बारे में कुछ बताएं? शोभा यात्रा हम लोग निकालते हैं छठ पूजा के सुबह में, 20 तारीख को निकालेंगे शोभा यात्रा, समापन शोभा यात्रा निकालेंगे, उसमें विभिन्न प्रकार की झांकी है, ढाक है, भांगरा है, भजन का प्रोग्राम है, उसमें विभिन्न प्रकार के सभी प्रजाति के झांकी का आकर्षण केंद्र है। अर्जुन कुमार सिंह, छठ पूजा कमेटी, बीरपाड़ा सेक्रेटरी। छठी मैया की जय।